राजवंत सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टी फ्रॉड 25, ये क्या है? ये आज ही मेरे को सुबह पटियाला से फ़ोन आया किसी जसप्रीत सिंह नाम के बंदे का, जो मिलिट्री में काम करता है और उसके फादर भी मिलिट्री में से रिटायर हुए हुए हैं। फ्रॉड क्या है? इन्होंने कहीं अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लिया था और प्लॉट लेके इन्होंने अपनी रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम पे। तो वो बंदे ने जिस बंदे ने कॉलोनी काटी थी, उसी बंदे ने दोबारा किसी ऐसे बंदे को जगह बेच दी जो काफ़ी दबंग है। तो जगह कैसे बिकी? जगह ऐसे बिकी कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कोई अनअप्रूव्ड कॉलोनी का काम करता है तो वो 75% माल तो बेच देता है लोगों को जिनको ओरिजिनल बेचना होता है, जो प्लॉट लेते हैं, और उसमें 25% लोग जो सड़कें वाली ज़मीन है वो हमेशा मालिक के नाम पे खड़ी रहती है। तो उसी तरीके से मालिक के नाम पे खड़ी थी ज़मीन, उसने किसी ऐसे बंदे को ज़मीन बेच दी 1100 गज, जो बंदे ने मतलब ज़मीन तो है नहीं थी मौके पर, लेकिन वो रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, ज़मीन सड़कों में निकल गई। तो आज क्या करा उन्होंने, मतलब आज जो फ़ोन आया, तो उन्होंने वो बंदे ने जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है, बजाय उसके जिसके ऊपर उसको केस करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसने जाके सड़कें तोड़नी शुरू कर दी कि भाई मैंने तो ज़मीन ली है, ये रजिस्ट्री है मेरे नाम पर। तो आप ये जो बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इस बंदे का प्लॉट 1100 गज का प्लॉट है, बहुत बढ़िया प्लॉट है, 35 लाख रुपए का कहता मैंने लिया था और आज रेट अच्छा है। और इस इनको धमकाने की वजह से धमका दिया इनको कि आप यदि पैसे वापस लेने चाहो तो पैसे वापस ले लो, नहीं तो ये सड़कें यहाँ से उखाड़ देनी है हमने। तो बंदा प्रेशराइज हो गया, बंदा फ्राइटन हो गया, बंदा डर गया। अब डरने के बाद मेरे से सलाह कर रहा है कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई यदि तो निपट सकते हो उनसे निपटा लो, नहीं तो फिर जो पैसे मिलते हैं वापस ले लो, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, पता नहीं कहाँ ले में ड्यूटी है, कहीं और ड्यूटी है, तो आप वहाँ इनके साथ आके केस लड़ोगे या अपनी ड्यूटी करोगे। मतलब इन बातों से बचना, मैं हमेशा कहता हूँ जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी में अपने प्लॉट लेना है तो बहुत ही सोच समझ के लेना है, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है जो हम नहीं देखते। चीज़ें क्या हैं, देखने वाली चीज़ें क्या हैं, जैसे हमारे टोटल इंतकाल हों, हमें पता लग जाए कि कितनी कितनी ज़मीन ये बिक चुकी है, उसके बाद कितनी रास्ते में रह चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में नंबर के साथ यूनिट का नंबर डाल के रजिस्ट्री हो जाती है, चाहे प्लॉट हो, मकान हो, फ्लैट हो, जो भी है अप्रूव्ड कॉलोनी में उसका नंबर डलेगा, लेकिन अनअप्रूव्ड कॉलोनी में सिर्फ शेयर के बेसिस पर रजिस्ट्री होती है। यदि सपोज़ आप किसी के 400 मरले ज़मीन है किसी की, तो यदि हमने 400 में से 5 मरले 7 मरले ली है, जो 7/400 रजिस्ट्री करके लिख देंगे, और लिख इससे फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मालिक के नाम पर 25% ज़मीन तो वैसे ही खड़ी है। मैंने पहले भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले आपको डेफिनेटली हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये ना हो कि आपके रजिस्ट्री तो हो जाए लेकिन प्लॉट का कब्जा आपको ना मिले। पहले हमारे साथ भी हुआ था, पटियाला में झील गाँव है और हमें प्लॉट दिखाया गया कि ये प्लॉट है जी, ये आप ले लो, फर्दे दिखाई गई, फर्दों में उनके नाम पे ज़मीन थी, लेकिन जब हमने पता करा जो प्लॉट हमें दिखाया गया था उसका कोई रिश्तेदार किसी तरीके से हमने ढूंढा, वो प्लॉट वाला बंदा कनाडा में बैठा था, 7 साल से नहीं आया, और उस बंदे ने मतलब इस बात का फ़ायदा उठा के कि बंदा कनाडा में बैठा, यहाँ हम इस प्लॉट को, इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, तो बेचने के लिए मुर्गा ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने, बकरा ढूंढना शुरू कर दिया और मेरे पास आ गए। चलो कुदरती बात है, मेरे को उनका कोई दोस्त रिश्तेदार मिल गया, हम बच गए, नहीं तो हो सकता है हम भी वहाँ पर फंस सकते थे। सो जब भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लेना तो 100% सोच समझ के ही लेना है। यदि या तो आप बिल्कुल मास्टर प्रिंसिपल हो रियल स्टेट में तब तो आप ले लो, अदरवाइज या बहुत ज़्यादा बंदा रिप्यूटेड हो तब ले लो, नहीं तो जो सड़कों वाली जगह है वहाँ पर खड़ी रहती है। हमने भी 2003 में माछीवाड़ा में कॉलोनी अनअप्रूव्ड काटी थी, तो जो हमने सड़कें छोड़ी थी वहाँ पर, दूसरे अपने पार्क छोड़े थे, तो कितने बंदे हमारे पास अप्रोच कर लिया उन्होंने कि आप ये पार्कें भेज दो यार, हम वहाँ अपना घर बना लें, सस्ते में लोग मतलब चाहते हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं किया भाई। हमने जब लोगों के साथ ये कमिटमेंट की है कि ये प्लॉट आपको देंगे, ये सड़कें देंगे और ये पार्क देंगे, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्लॉट देंगे, तो हम उनके प्लॉट कैसे बेच सकते हैं?
लोग खरीदने वाले भी तैयार हैं, आपको बेईमान बनाने वाले भी तैयार हैं, और बेईमान पैसे ऑलरेडी बेईमान भी बहुत हैं, रेडीमेड पे बेईमान भी बहुत हैं। सो हमने बचना है यार, एज ए खरीदार आपकी ड्यूटी बनती है कि हर एंगल से प्रॉपर्टी को देख लो, हर एंगल से बंदे की रेपुटेशन देख लो जो सामने वाला है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है ठगी वाला काम तो नहीं हो जाएगा। यदि ऐसा को काम लगे तो आप पीछे हट जाओ। जब हमें पता लग जाए कि रास्ते में सांप रहते हैं और कहीं पता नहीं कब निकल के आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। इसी तरीके से ये आपके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्सीडेंट कर देते हैं ये लोग। तो फाइनेंशियल एक्सीडेंट का मतलब यही है कि यदि आपका एक बार पैसा डूब गया तो सारी उम्र का पैसा, क्योंकि ये सारी उम्र की कमाई हम अपने प्लॉटों पर लगाते हैं या अपने घर पर लगाते हैं। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस तरीके का काम करो, हर एंगल से विचार लो यार। रेपुटेशन देखो बंदे की, कागज पत्र देखो, कागजों में पटवारी के पास जहाँ जहाँ भी आपको रिकॉर्ड दिखता है उसमें चले जाओ, आप जरूर जाना चाहिए, ताकि आपके साथ धोखा ना हो सके। आज के लिए इतने, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएँ, पढ़ते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली। थैंक यू वेरी मच।